हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। कोरोना महामारी के साथ पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाने के बाद वर्ष 2020 समाप्त हो चुका है और नई उम्मीदों का प्रकाश लिए 2021 शुरू हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि 2021 किन किन राशियों के लिए सुखकारी होगा और किन राशियों के लिए आशा के अनुरूप नहीं होगा। मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष मन में उत्साह के साथ ही मनोबल ऊंचा रहेगा, अनेक उपलब्धियां प्राप्त होंगी, आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी, कारोबारी गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न होंगी, पारिवारिक और कुटुंबीय तनाव में कमी होगी, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इस वर्ष सामान्य रहेगा, मानसिक व्यथा रहेगी, स्त्रियों को कष्ट, स्वजनों के साथ विरोध होगा, सट्टा शेयर जैसी आदतों से हानि होगी, भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, संपत्ति और वाहन के क्रय विक्रय हेतु साल उत्तम है, स्त्री से वियोग संभव है, सनातन पक्ष की उन्नति के योग हैं। वृष, यह वर्ष वृष राशि वालों के लिए उन्नतिदायक होगा, विलासिता पर खर्च होगा, कुछ संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, वाद विवाद से दूर रहें, पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, नवीन संपत्ति क्रय हेतु वर्ष का उत्तरार्ध उत्तम है, स्त्री वियोग संभव है, विद्यार्थियों को उचित सफलता प्राप्त नहीं होगी, दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है, धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, कर्मचारियों के लिए वर्ष शुभ है। मिथुन, मिथुन राशि वालों के लिए विश्वासघात संभव है, धनहानि, कुटुंबीय सुख में कमी आएगी, अत्यधिक पूंजी निवेश करने में सचेत रहें, हानि संभव है, अनावश्यक खर्च हो सकता है, वाणी में कटुता से विवाद संभव है, भाई बहनों के साथ मतभेद रह सकता है, विद्यार्थियों को सफलता मिलने में कठिनाई होगी, संतान पक्ष से मतभेद होगा, शत्रु से कष्ट संभव है, गृहस्थ जीवन में सामान्य सुख और सहयोग बना रहेगा। कर्क, कर्क राशि वालों के लिए इस वर्ष कुछ बाधाओं और संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, किसी के सहयोग से संपत्ति अर्जित होगी और बाधित कार्य संपन्न होंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, धैर्य में कमी और आवेश में किए गए कार्य से हानि हो सकती है, संपत्ति वाहन में क्रय विक्रय में लाभ होगा, राजनैतिक संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, माता पिता की सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए ये साल उत्तम रहेगा, किसी पर्यटन स्थल की यात्रा हो सकती है, संतान पक्ष की समस्या कम होगी, उच्च पदाधिकारियों से संबंध लाभप्रद होगा। सिंह, यह वर्ष अधिकांशतः लाभप्रद रहेगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, सेहत बढ़िया रहेगी, कार्यक्षेत्र में प्रसार और कष्टों में कमी होगी, प्रतिष्ठित जनों से संपर्क होगा, उच्च पद की प्राप्ति, राज सम्मान और आर्थिक मामलों में लाभ होगा, बाधित धन की प्राप्ति होगी, भोग विलास पर खर्च होगा, संपत्ति के क्रय विक्रय में लाभ होगा, माता पिता के साथ धार्मिक या पत्नी के साथ यात्रा संभव है, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अध्ययन की दृष्टि से लाभकारी रहेगा, स्त्री से तालमेल बना रहेगा, धार्मिक कार्य सफल होंगे, नौकरी वालों के लिए यह वर्ष लाभकारी है। कन्या, यह वर्ष
सुखदायी रहेगा। कार्य मंद गति से संपन्न होंगे। सेहत संबंधी समस्याएं रहेंगी। आर्थिक मामलों में सामान्य संघर्ष होगा। धन का अपव्यय होगा। भूमि क्रय का योग है। माता पिता को शारीरिक कष्ट हो सकता है। कर्मचारियों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। आर्थिक लाभ का योग है। व्यापार में अस्थिरता रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों में यश की प्राप्ति होगी। अदालती कार्यों में सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी। परिवार के साथ मतभेद खत्म होंगे। तुला, तुला राशि के सभी कार्य मंद गति से संपन्न होंगे। लघु यात्रा का योग है। मानसिक तनाव रह सकता है। किसी पर ज्यादा विश्वास करना हानि पहुंचा सकता है। विलासिता पर खर्च होगा। कारोबार में कम लाभ होगा। वाणी में कटुता से विवाद की आशंका है। भाई बहनों की उन्नति होगी। भूमि वाहन मकान के क्रय विक्रय में हानि होगी। माता पिता से मतभेद संभव है। विद्यार्थियों को अध्ययन क्षेत्र में रुचि कम होगी। संतान पक्ष से सामान्य सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। विरोधियों से मित्रता संभव है। वृश्चिक, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष अधिकांशतः लाभ और उन्नति से भरा होगा। कठिन परिस्थितियों का सामना होगा। स्त्री को सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। स्वजनों से मतभेद रहेगा। कार्यक्षेत्र में नवीन और लाभकारी संभावनाएं बनेंगी। आय के स्रोत में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य होंगे। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क होगा। विद्यार्थियों को अध्ययन में अभिरुचि होगी। संतान पक्ष से भावनात्मक स्नेह होगा। अदालती कार्यों में मंद प्रगति होगी। संयमित जीवन व्यतीत होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में वृद्धि और लाभ होगा। नौकरी में सुधार होगा। धनु, धनु राशि वालों को मानसिक कष्ट होगा और कार्यों में विलंब के साथ बाधा आएगी। विरोधियों से व्यर्थ विवाद होगा। अनावश्यक खर्च और भागदौड़ से कष्ट हो सकता है। पारिवारिक कलह से तनाव होगा। वर्ष के मध्य से आय के साधनों में वृद्धि होगी। भाई बहनों की उन्नति के योग हैं। पेट संबंधी रोग से कष्ट होगा। संपत्ति वाहन के क्रय विक्रय से हानि हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधान रहें। कारोबार में विस्तार होगा। कर्मचारी वर्ग के लिए भविष्य में लाभ और पदोन्नति होने की संभावना है। मकर, मकर राशि वालों के लिए भय की अधिकता रहेगी तथा ब्लड प्रेशर से कष्ट होगा। कार्यक्षेत्र में कष्ट तथा मानसिक तनाव रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए साल अच्छा नहीं है। स्थान परिवर्तन का योग है। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। उत्तम व्यवहार से लाभ होगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन में ज्यादा मेहनत करनी होगी। स्त्री वियोग या स्त्री से हानि संभव है। संतान पक्ष से भावनात्मक स्नेह होगा। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद होगा। कुंभ, कुंभ राशि वालों को मानसिक कष्ट और तनाव अधिक रहेगा। भौतिक सुख साधनों पर अधिक खर्च होगा। धैर्य पूर्वक घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। भूमि क्रय विक्रय मकान वाहन आदि के लिए सोच विचार कर कार्य करें। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। संतान पक्ष में मतभेद संभव है। अदालती कार्यों में अनावश्यक खर्च होगा। अपने दायित्वों के प्रति उदासीन रहेंगे। कारोबार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी।
नौकरी करने वालों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। पत्नी की सेहत में बाधा आएगी। मीन, मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष लाभकारी है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, बाधित धन प्राप्त होगा, विदेश से लाभ संभव है। आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास होगा, लाभ की स्थिति होगी, संगीत के प्रति रुचि बढ़ेगी, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, नवीन संपत्ति के क्रय विक्रय के योग बन रहे हैं, कर्ज लेना पड़ सकता है, सामाजिक संपर्कों में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं रहेंगी, संतान पक्ष की उन्नति के द्वार खुलेंगे, विरोधी पक्ष का दबाव कम होगा, वैवाहिक जीवन के सुख में वृद्धि होगी, सेहत सामान्य रहेगी, नौकरी वालों के लिए पदोन्नति का योग है, कारोबारियों की उन्नति होगी। तो ये था 2021 का वर्षफल। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।